हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धरती के लगभग 75% हिस्से पर समुद्र का विस्तार है, और वो कैसे है। इस समुद्र में जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं कई किलोमीटर की गुफाएं भी हैं। एक और जहां लाखों की संख्या में सीप, शंख, कोड़ी, मोती और मूंगा उत्पन्न होता है, तो टनों से नमक उत्पादित होता है। एक और जहां जीव और जंतुओं की लाखों प्रजातियां निवास करती हैं, तो दूसरी ओर कई प्रकार की वनस्पतियां, खनिज और भोज्य पदार्थ भरे पड़े हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। समुद्र में लाखों तरह के जीव जंतु और प्रजातियां निवास करती हैं। इन्हीं जल राशियों में हजारों ऐसी वस्तुएं हैं जो कहीं चिकित्सा की दृष्टि से सबसे उत्तम हैं, तो कहीं आयु बढ़ाने के लिए। सागर के अन्य मानव उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल है। वहीं आनंद के लिए कई गतिविधियां जैसे कि तैराकी, नौकायान और स्कूबा डाइविंग के लिए भी सागर एक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा समुद्र के भीतर शंख, मोती, मूंगा, तेल, गैस, सीपी, शैवाल, मछली आदि हजारों ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनका मानव दोहन करता है। नंबर वन, यूं तो बाजार में खाने का नमक मिलता है, लेकिन आसानी से समुद्री नमक भी मिल जाता है, क्योंकि इस समुद्री नमक के कई ज्यादा उपयोग होते हैं। नंबर टू, समुद्री शैवाल। शैवाल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। शैवाल का उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। कुछ जहरीले शैवाल होते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल को कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन सभी प्राप्त हो सकते हैं। नंबर थ्री, सिवार। ये एक प्रकार की समुद्री वनस्पति है। समुद्र की गहराइयों में इस वनस्पति के जंगल के जंगल विद्यमान है। ये भी शैवाल की तरह बहुउपयोगी है। ये अमरबेल की तरह है। जब तक ये पानी में रहेगी, ये कभी नष्ट नहीं होगी और ना ही कभी सड़ेगी। नंबर फोर, मछली और अन्य जंतु। सागर दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन, मुख्य रूप से मछली, झींगा, केकड़ा, क्रेब्स उपलब्ध करवाता है। किंतु इसके साथ ये कस्तूरों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवाल को भी पर्याप्त आपूर्ति करता है। इनमें से कुछ को मछुआरों द्वारा पकड़ा जाता है, तो कुछ की खेती पानी के भीतर ही की जाती है। इसके अलावा लॉबस्टर, स्क्विड, ओयस्टर, घोंघे आदि भी खाने के योग्य होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी है जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यूं ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज इन्फो के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।